Hello everyone welcome back to your own channel tests of knowledge स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए इंग्लिश के मॉडल पेपर को जी बच्चों इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमपी बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर को जारी कर दिए गए और मैंने आपको डाउनलोड करने की ट्रिक भी बताई थी तरीका भी बताया था आई होप आपने सारे ही मॉडल्स पेपर को डाउनलोड कर लिया होगा फिलहाल इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एम बोर्ड की तरफ से जारी किए गए इंग्लिश के मॉडल पेपर को जी बच्चों आपकी दो में जो परीक्षा होने वाली है उसमें किस टाइप से आपका इंग्लिश का पेपर आने वाला है ये खुद एमपी बोर्ड ने मॉडल पेपर को जारी करके आपको बता दिया है इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको जो पेपर आएगा किस टाइप से आएगा इंग्लिश में ऐसे आएगा कि नहीं आएगा पैसेज कितने नंबर का आएगा ये सारी कुछ जानकारी मैं मैं आपको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं क्योंकि मॉडल पेपर को डिटेल में ही एक्सप्लेन करा रहा हूं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि बच्चों आज की जो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप यहां पर हेडिंग को देख लीजिए ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि दो 2022 का है मतलब कि 2022 मतलब जो सत्र चल रहा है 2021 और 22 का सत्र चल रहा है तो 2021 और 22 के सत्र में 2022 में आपकी जो परीक्षा होगी जो आपका पहला पेपर होगा वो इंग्लिश का होगा तो ये क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश है और इसमें देखिए आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे ये 15 रहेंगे तो बच्चों आपके जो टोटल क्वेश्चन आने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 15 टाइम आपको थ्री और तीन घंटे का दिया जाएगा पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा 80 नंबर का आपका पेपर होगा इस बार 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा ठीक है पेपर आपका सेक्शन में डिवाइड रहेगा सेक्शन ए जो कि आपका रीडिंग स्किल रहेगा इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ये बच्चों ये आपका पैसेज कराएगा ठीक है तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल इन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा पैसेज तो पहला क्वेश्चन आपका अंशिर पैसेज का रहेगा अब देख लेते हैं इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप से आएंगे तो हम ड्रेक करते हुए नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन तो बच्चों आप देख लीजिए ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके एम हैं मतलब कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इस तरह से आपका जो पैसेज रहेगा वो रहेगा आपका दस नंबर का ठीक है मतलब एक एक नंबर के आपके टेन क्वेश्चन आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे टेन ओके okay, बच्चों दस नंबर का आपका पेशा रहेगा यहाँ पर देख लीजिए ये आपके क्वेश्चन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इसी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसा कि ब्लूप्रिंट जारी किया गया था जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कराया था उस टाइप से इस मॉडल पेपर को सेट किया गया है तो यहाँ दोस्तों मुझे पता है आप सब परेशान हो सी ने पैटर्न बदल दिया है हमारा बट टेंशन मत लीजिए मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस तो ये एक ऐप है फिलो चलो पहले डाउनलोड करो अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास ट्वेल्थ और क्लास टेंथ दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पर एग्जाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत हर हाँ टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है दूसरी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और सिक्स सेकेंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप हंड्रेड परसेंट इसको टारगेट करोगे यहाँ पर आप जो क्वेश्चंस को देखेंगे सारे क्वेश्चंस आपके उस टाइप से ही सेट किए गए हैं ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्क फॉर्म भी आपसे पूछी गई है और फिलअप्स भी आए हैं ये सारी चीज़ें वही पूछी गई हैं जो आपको ब्लू प्रिंट में बताई गई थी कि जो आपका पैसेज आएगा वो टेन मार्क्स का आएगा और टेन मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे एम आपके कैसे रहेंगे वो यहाँ पर बताए गए हैं उस टाइप से ये पेपर सेट किया गया है ठीक है क्लियर हो ना बच्चों ठीक है ये हमारा पैसेज होगा अब हम समझ लेते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन को तो देखिए सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है इसको आप मैं रीड करके बताता हूँ रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली इन मेक नोट्स ऑन इट आल्सो गिव सुटेबल टाइटल तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसमें सिर्फ आपसे नोट्स बनवाए जाएंगे ठीक है और यहां पर आपसे टाइटल पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखिए एक पेसेज आपके सामने इसमें से आपसे कह रहे हैं कि आप नोट्स बनाइए और इसका टाइटल प्रोवाइड करिए मतलब समरी नहीं आएगी ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका फोर मार्क्स का रहेगा चार नंबर का आपका जो क्वेश्चन रहेगा सेकेंड नंबर वाला इसमें से सिर्फ आपको नोट्स बनाना है और यहाँ पर आपको इसका टाइटल प्रोवाइड कराना है आपको समरी नहीं बनाना है आपसे समरी नहीं पूछ जाएगी क्योंकि चार नंबर में इतना ही पूछा जा सकता है ना तो यहाँ पर चार नंबर में आपसे सिर्फ नोट्स बनवाए जाएंगे और आपसे टाइटल पूछा जाएगा ठीक है क्लियर हुआ ये हमारा सेक्शन ए था कितने नंबर का होगा पहला क्वेश्चन आपका टेन मार्क्स का था दूसरा आपका फोर का था तो ये टेन प्लस फोर ओवरऑल आपका फोर्टीन मार्क्स का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ ठीक है सेक्शन ए आपका फोर्टीन मार्क्स का इतना क्लियर हुआ अब आ जाते हैं हम जल्दी से सेक्शन बी की तरफ ये आपका सेक्शन बी जो कि बच्चों राइटिंग स्किल्स का होता है होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो हम इसको समझ लेते हैं देखिए इसमें ये क्वेश्चन है क्या आया इसको समझ लीजिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया आशिमा इज गोइंग ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट फॉर फाइव ईयर्स शी वांट्स टू तो सेल हर रेफ्रिजरेटर एल सी डी टी वी डबल बेड तो मतलब कि ओवरऑल हाउस होल्ड गुड्स को बेचने का यहाँ पर एक आपके लिए क्या करना है ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट आया है ठीक है कितने मार्क्स का फोर मार्क्स का तो यहाँ पर थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है फोर मार्क्स का रहेगा इसमें यहाँ पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है ये हाउस होल्ड गुड्स वाला है ठीक है अब देखिए नीचे और में क्या दिया है? इन्होंने ड्राफ्ट एडिव पोस्टर तो यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है ठीक है तो मतलब आपका जो सेकेंड आपका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इसमें आपका पोस्टर आ सकता है तो यहाँ पर एक पोस्टर भी आया है इसके यहाँ पर एडवर्टाइज भी है एडवर्टाइजमेंट और आपको मैंने बताया था नोटिस भी रहेगा इसी में ठीक है नोटिस भी आपका रहेगा तो ओवरऑल पोस्टर के और में एडवर्टाइजमेंट आ सकता है जैसा कि यहाँ पर आया है एडवर्टाइजमेंट के और में पोस्टर आया है इसके और में नोटिस भी आ सकता है ठीक है थीके? या पोस्टर के और में नोटिस आ सकता है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड रहेगा जिसके आपको फोर मार्क्स मिलेंगे ठीक है इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपका एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर आएगा मतलब कि ये फॉर्मल लेटर है लाउड स्पीकर वाला और इसके और में जो लेटर है यह आपका इनफॉर्मल लेटर है ठीक है कौन सा लेटर है इनफॉर्मल लेटर है तो ये भी आपका फोर मार्क्स का आएगा तो इस बार आपके जो लेटर आएंगे वो फॉर्मल के और में इनफॉर्मल लेटर आएगा मतलब कि टू लेटर्स पूछे जाएंगे उनमें से आपको कोई एक लेटर कर देना है जो कि आपका फोर मार्क्स का रहेगा तो यहाँ पर देख लीजिए ये फोर मार्क्स का है ये जो लाउड स्पीकर वाला लेटर है ये फॉर्मल है और नीचे जो लेटर दिखाया दिया जा रहा है राइट लेटर टू योर अंकल को लिखना है थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट बर्थडे प्रेजेंट उनको थैंक यू बोलना है तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर है ठीक है कोई एक आपको करना होगा ये फोर मार्क्स का अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव यहीं आप कंफ्यूज हो रहे थे तो इसको समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ग्रामर के बारे में तो क्वेश्चन नंबर फाइव को देख लीजिए इसमें क्या आ रहा है देखिए और राइट इन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स तो कोई आपको एक आर्टिकल लिखना है यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए गए ये आपका फोर मार्क्स का रहेगा ठीक है फोर मार्क्स का रहेगा इसमें आपको एक आर्टिकल लिखना है इसके और में देखिए आपको क्या दिया गया है यू आर अमिता दो भाई राइट अर रिपोर्ट तो यहाँ पर रिपोर्ट आई है बच्चों तो देखिए रिपोर्ट आई है वो आपके फोर मार्क्स की रहेगी तो यहाँ पर रिपोर्ट पूछी गई है आर्टिकल्स के और में रिपोर्ट तो मतलब कि आपको पैराग्राफ दिया जाएगा आपको स्पीच पूछी जा सकती है डिबेट पूछा जा सकता है या फिर राइट आर्टिकल पूछा जा सकता है या फिर रिपोर्ट पूछी जा सकती है ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव ही रहेगा जैसा कि ब्लू में जारी किया गया था ठीक है ना तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर देखेंगे तो ये फोर नंबर का रहेगा क्वेश्चन नंबर पास फाइव तो अब क्लियर हुआ ना तो मतलब के आर्टिकल के और में इन्होंने यहां पर क्या दिया है आपको रिपोर्ट दिए ठीक है अब यहाँ पर पैराग्राफ भी आ सकता है या फिर स्पीच आ सकती है डिबेट आ सकता है लेकिन आर्टिकल और रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो इनको आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा ठीक है बच्चों क्लियर हुआ तो यहाँ पर ये रिपोर्ट कौन सी दी गई है ये दी गई है एक्सीडेंट वाली ये एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट है ठीक है और टॉपिक्स आर्टिकल में यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स दिए गए फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल हार्दर्ट ऑफ द पॉलिथिन बैग साइंस इन और डेली लाइफ करप्शन इन इंडिया और कोरोना आप पेंडेमिक इसको तो आप अच्छे तरीके से कर लेना ठीक है अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी पे तो देखिए सेक्शन सी जो कि आपका ग्रामर का ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो ये ग्रामर आई है फिलहाल मैं आपको इसके आंसर्स नहीं बताने वाला हूं मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आने वाला हूं जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसको एक्सप्लेन करा दूंगा फिलहाल अभी मैं आपको ये मॉडल पेपर को एक्सप्लेन करा रहा हूं इसके बाद मैं आपको इसके लिए सोल्यूशन भी लेकर आऊंगा वन बाय वन में सारी मॉडल पेपर को सोल्व कराऊंगा इसका कंप्लीट सोल्यूशन में लेकर आऊंगा ठीक है तो ग्रामर आप यहां पर देख लीजिए ये फिलप्स हैं फाइव मार्क्स के ठीक है फाइव मार्क्स के आपके फिलप्स हैं और फाइव मार्क्स के आपके डूएज डायरेटेड है ठीक है ये हो गए आपकी ग्रामर इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन डी जो कि टेक्स्ट बुक का है तो सेक्शन डी में आपका एक जो क्वेश्चन है देखिए ये एक्सट्रेट है ठीक है और एक्सट्रेट आपका ये कितने नंबर का यहां पर देख ली वन टू थ्री फोर फाइव पाँच नंबर का आपका ये एक्सट्रैक्ट है कितने नंबर का पाँच नंबर का आपका एक्सट्रैक्ट है ये कहाँ से लिया गया है ये आपकी फ्लेमिंगो बुक से लिया लिए गए किससे गया है ये आपकी फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर से लिया लिए गए किसके चैप्टर से बच्चों प्रोज के चैप्टर से लिया गया है तो मतलब का आपका जो एक क्वेश्चन आएगा फाइव मार्क्स का जो आपका एक्सट्रेट आएगा वो प्रोज के चैप्टर से आएगा किससे आएगा प्रोज के चैप्टर से आएगा जिससे वंस अपन टाइम देर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप तो ये द रेड ट्रैप वाला जो आपका चैप्टर है उससे लिए गए ठीक है तो फ्लेमिंगो के प्रोज के किसी भी चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आएगा जो कि एक्सट्रेट रहेगा फाइव मार्क्स का वो भी एम रहेंगे देखिए इसमें भी डिटेल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सब आपके एम आएंगे आपके जो 32 नंबर के एम आएंगे ना तो 32 नंबर के एम आपके ऐसे ही बनेंगे ठीक है तो ये 32 नंबर के एम आपके ऐसे ही, तो ही बनेंगे इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन तो क्वेश्चन नंबर नाइन को देख लीजिए ये एक्सटेट आया ये आपका पोएम्स में से आया मतलब कि जो आपके पोएट्री है तो पोएट्री के चैप्टर्स में से आपका एक्सटेट आएगा इसके नंबर रहेंगे तीन ठीक है तीन नंबर का आपका रहेगा जैसे कि ब्लूप्रिंट में बताया गया था तो ये एक एक्सटेट आपका पोएम में से आएगा एक आएगा प्रोज में से एक आएगा पोएम में से मतलब कि आपकी फ्लेमिंगो में से ठीक है इसके बाद हम आ जाते हैं बी पेज तो बी में देखिए आपका छः नंबर का एक एक्सटेट आएगा ये आएगा आपकी विस्तार से किससे आएगा बच्चों वो विस्तार से आएगा मतलब कि आपकी जो सेकंड वाली इंग्लिश है विस्तार उससे आएगा तो यहाँ पर देख लीजिए विस्तार से आपका एक्सरेट है ये आपका छः नंबर का है ठीक है सिक्स मार्क्स का रहेगा इसमें भी आपको एम दिए जाएंगे तो ये एम सी क्यूज ठीक है क्लियर हुआ ना ठीक है अब हम आ जाते हैं यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका इसमें सिक्स नंबर दिए हैं और ऊपर देख लीजिए आपका तो थो, इसमें थोड़ा सा नंबरिंग में कन्फ्यूज़न करा है इन्होंने देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर इन्होंने क्या है ये पाँच नंबर को तो ये हो गया और पाँच नंबर के बाद तीन नंबर का आपका एक्सट्रेट हो गया तो ये हो गया आठ और यहाँ पर ये छः दिए हैं तो बच्चों ये छः नंबर का नहीं है ये चार नंबर का होगा ठीक है ये फोर मार्क्स का होगा तब जाकर आपके ये ट्वेल्व मार्क्स हो पाएंगे ठीक है तो इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा ठीक है यहाँ पर उन्होंने सिक्स दिया है क्योंकि क्वेश्चन आपके फोर दिए हैं ना यहाँ पर देखिए फोर क्वेश्चन दिए हैं तो ये फोर मार्क्स का रहेगा सिक्स मार्क्स का नहीं रहेगा ये क्वेश्चन आपका फोर मार्क्स का रहेगा ठीक है क्लियर हुआ ना ये क्वेश्चन आपका बी वाला है ये सिक्स यहाँ पे है तो मिस प्रिट है ये फोर मार्क्स का रहेगा ब्लू प्रिंट एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक है अब आ जाते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपका टेन तो इसमें देखिए दो दो नंबर के आपके पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपके एनी फाइव आपको करना है ये किस में से लिए गए हैं ये आपके प्रोज के चैप्टर में से लिए गए किसके प्रोज के, के चैप्टर में से लिए गए तो ये आपके टेन नंबर के क्वेश्चन है ये टेन मार्क्स आपको इसके मिलेंगे ठीक है इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिए गए ये आपके पोएट्री से लिए गए हैं दो दो नंबर के थ्री क्वेश्चन आपको करना होंगे तो ये आपके सिक्स मार्क्स ऐसे मिलेंगे ये आपके पोएट्री से लिए गए हैं ठीक है ये आपके पोएट्री से आएंगे ठीक है इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे तो नीचे आप यहाँ पर देखेंगे ये आपके विस्तार से लिए गए ये दो दो नंबर के दो क्वेश्चन विस्तार से आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है इसके बाद हम नीचे आएंगे तो नीचे अब जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन आपके लिए गए हैं ये क्वेश्चन आपके लिए गए हैं तीन नंबर का ये क्वेश्चन आएगा एनी टू आपको करना होगा ये आपके लिए गए हैं प्रो से मतलब आपके फ्लेमिंगो से ठीक है इसके बाद आप नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका तीन नंबर का है तो तीन नंबर का आपका किससे लिए गया है तो ये आप देख लीजिए पोएम से लिया गया है ठीक है और एक क्वेश्चन आपका तीन नंबर का किससे लिए गया है तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका राइट द आंसर ऑफ एनी वन तो यहाँ पर अंटार्क्टिका मतलब ये आपका लिया गया है किससे ये आपका लिया गया है विस्तार से ठीक है विस्तार से आने वाला है आपका एक तीन नंबर का क्वेश्चन देखिए एक करना है तीन नंबर का विस्तार से आएगा और एक आपका फ्लेमिंग से आएगा तीन नंबर का वो आपका पोएट्री का रहेगा और आपके तीन तीन नंबर के दो क्वेश्चन आपके आएंगे प्रोज के ठीक है बारह नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के बारह नंबर के क्वेश्चन आएंगे ठीक है और बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए तो बच्चों इस तरह से आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ इस तरह से आपका पेपर आने वाला है दो हज़ार बाईस में जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें जो आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का ही रहेगा तो पूरा का पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है अब जल्द ही मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा तो मैं आपको पूरा का पूरा जो पेपर है उसको सॉल्व कराऊंगा इसलिए आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए सीखते रहिए लाइक करते रहिए तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों को दादा शेयर कर देना आप शेयर करने में कंजूसी बहुत ज्यादा करते हैं तो बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करा करें और हां यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जैसे भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग